यूनिवर्सल कार्ड अगर आप किसी भी एलईडी में लगा रहे हैं, 24 इंची, 32 इंची, 50 इंची, 43 इंची, किसी भी एलईडी में लगा रहे हो और किसी भी कंपनी की एलईडी में लगा रहे हैं, ये सबसे बेस्ट तरीका है ड्राइवर लगाने का। जो ओरिजिनल तरीके से काम करता है वो सिर्फ 3 तारों से ही कनेक्शन इसके हो जाते हैं। हेलो दोस्तों, नमस्कार, स्वागत है आप सबका राजू टेक ब्लॉग में। आज हमारे पास ये माइक्रोटेक की एक एलईडी आई है जिसकी बैकलाइट प्रॉब्लम थी, तो दोस्तों ये मैंने खोल दी है एलईडी और इसमें हमने बैकलाइट भी डाली है। ये देखिए, बैकलाइट भी दोनों स्टिक पूरी लगा दी है नई, उसके बाद भी ये प्रॉब्लम वैसी की वैसी है, बैकलाइट काम नहीं कर रही है डालने के बाद। अब इसमें प्रॉब्लम क्या है, मेन प्रॉब्लम इसका जो इन्वर्टर कार्ड है, बैकलाइट ड्राइवर, वो खराब हो गया है इस कार्ड का। और ये माइक्रोटेक की एलईडी है, तो इसमें यूनिवर्सल ड्राइवर कैसे लगाना है और इसका सही तरीका क्या है, ये मैं आपको इस वीडियो में बतलाने वाला हूं, तो वीडियो को पूरी देखना दोस्तों। तो आइए इसको अच्छे से मैं आपको समझाता हूं किस तरीके से ये लगानी है। तो इसका जैक है दोस्तों ये, इसमें 4 तार होते हैं और इसके ये कनेक्शन लिखे हुए होते हैं। ये बीसीसी है ऊपर के, तो ये जो दोनों तार थे, एक ये खाली वाला और ये रेड वाला, इसमें आप 12 वोल्ट दे सकते हैं। और एक ये ऑन ऑफ का बटन आता है दोस्तों, जिसके लिए ये पीला वाला बटन है तीसरे नंबर का, ये डिम का आता है, डिम को छोड़ देते हैं, डिम खाली रहता है। और इसमें एक ग्राउंड आता है जो कि ये ब्लैक वाला ग्राउंड का है। अब इसके कनेक्शन कैसे करने हैं ये मैं आपको बतला देता हूँ। ये देखिए, मैंने इसमें जो बीसीसी वाला है और ग्राउंड वाला है, इसमें एक जैक लगा दिया है। और कार्ड में देखिए, ये 12 वोल्ट का यहाँ पर जैक दिया दे रखा है, 12 वोल्ट का ये जैक दे रखा है। तो सीधे कनेक्शन मैंने कर लिए हैं, चेक किया है कि किधर को प्लस है और किधर को माइनस। तो इधर को इसका प्लस है और ये माइनस है, तो इसी तरीके से मैंने जैक के कनेक्शन कर लिए हैं बीसीसी के और ग्राउंड के। तो इसको हमने इसमें लगा देना है इस तरीके से। तो इस तरीके से इस कार्ड को 12 वोल्ट की सप्लाई मिल जाएगी। किसी भी कार्ड में हो, स्मार्ट कार्ड हो या नॉर्मल कार्ड हो, सारे कार्डों में 12 वोल्ट की सप्लाई आपको मिल जाएगी, उसी में आपने ये लगा देना है। उसके बाद कनेक्शन सिर्फ एक रह जाता है दोस्तों इसका, ये है ऑन ऑफ का। अगर आपको डायरेक्ट लगानी है, आप यहाँ से 10K की रेजिस्टेंस या 4.7K की रेजिस्टेंस लगा करके और इस सप्लाई के तार में ज्वाइंट कर सकते हैं, जिससे कि डायरेक्ट आपकी लाइट चल जाएगी और ये ऑन हो जाएगा। अब हमें ऐसा नहीं करना है, डायरेक्ट एलईडी नहीं चलानी है, इसकी जो बैक लाइट है वो डायरेक्ट नहीं चलानी है। तो इसका कनेक्शन हमें कार्ड में कहाँ करना है, और ये माइक्रोटेक की है, माइक्रोटेक की ही नहीं, किसी भी कंपनी की अगर एलईडी है तो आप किसी में भी इस तरीके से कनेक्शन कर सकते हैं। इसकी ओरिजिनल तरीके से जो बैक लाइट दोस्तों चलानी है हमें, तो इसका आपको प्रॉपर कनेक्शन करना होगा। और इसका प्रॉपर कनेक्शन करने के लिए यूनिवर्सल कार्ड हो या कोई सा कॉम्बो कार्ड हो, आप किसी भी कार्ड में इसको ओरिजिनल तरीके से काम करा सकते हैं बैक लाइट को। तो दोस्तों इस ऑन ऑफ के तार को हमें कनेक्शन में करना होगा, तो कनेक्शन में आपको बतला देता हूँ। ये देखिए, इसका यूएसबी पोर्ट है, जहाँ पर यूएसबी पोर्ट होता है कार्ड में, उस कार्ड में 5 वोल्ट मिलती है यूएसबी पोर्ट पर। बस यूएसबी पोर्ट के 5 वोल्ट नाप करके उसी पॉइंट पर आपको इस ऑन ऑफ के तार को लगा देना है। देखिए, मैं आपको लगा करके दिखाता हूँ किस तरीके से लगानी है। तो मैं इस कार्ड को खोल लेता हूँ। तो ये देखिए, मैंने इसको खोल लिया है और इसमें यहाँ पर कुछ में लिखा हुआ होता है, कुछ में नहीं होता है, इसमें लिखा हुआ है, तो मैं आपको दिखा दूँ। ये 5 वोल्ट यहाँ पर लिखा हुआ है, बस 5 वोल्ट वाले पॉइंट पर हमें जो ये यूनिवर्सल कार्ड है बैकलाइट का, जो ड्राइवर कार्ड है, उसका ऑन ऑफ वाला तार यूएसबी के 5 वोल्ट वाले पॉइंट पर हमें लगा देना है। तो ये कार्ड ऑन ऑफ होने लगेगा। ये ऑन ऑफ तभी होगा जब आप स्टैंड बाई करेंगे, जब आप स्टैंड बाई करेंगे कार्ड को, एलईडी को, तभी आपकी बैकलाइट जलेंगी, वरना बंद रहेंगी। अगर आप रेजिस्टेंस लगा देते हैं या कोई जुगाड़बाजी कर देते हैं, तो उसमें क्या होता है, आपकी बैकलाइट डायरेक्ट जलती रहती हैं।
चाहे आपकी एलईडी स्टैंड बाई है या नहीं है। तो इसलिए इस वाले ऑन ऑफ के तार को हमें यहीं पर लगा देना है। ये यूएसबी पोर्ट है, ये माइक्रोटेक का कार्ड है दोस्तों, माइक्रोटेक की एलईडी है और किसी भी कंपनी की हो, आप यूएसबी पोर्ट ध्यान रखिए और उसी के 5 वोल्ट पर इस ऑन ऑफ के तार को लगा दीजिए। ऑन ऑफ के तार को लगा देते हैं। नीचे से ही मैंने निकाल लिया है इसको, मैंने कनेक्शन कर लिए हैं। 12 वोल्ट के कनेक्शन ये रहे और जो यूएसबी पर जो हमने तार लगाया है वो ऑन ऑफ पर हमने कनेक्ट कर दिया है। अब ये बैक लाइट के भी कनेक्शन कर लेते हैं। तो मैंने इस तरीके का एक जैक निकाल लिया है, जो इसका जैक था बड़ा था, इसमें आना नहीं था, तो मैं इसके कनेक्शन कर लेता हूँ। ये देखिए माइनस प्लस देख करके लगाएंगे, इधर को प्लस है और इधर माइनस है, तो उसी हिसाब से लगाएंगे। प्लस पर रेड वाला लगा देंगे, तो इस तरीके में ये जैक आना है, प्रॉपर कनेक्शन हो जाते हैं। इसको हम डबल टैप लगा करके और यहीं पर फिट कर देंगे। इस तरह आपने भी किसी में भी कनेक्शन कर लेने हैं। तो अब हम चेक करते हैं, ये मैं इसको स्टैंड बाई ऑन कर देता हूं। ये देखिए, जब आप स्टैंड बाई ऑन करेंगे तभी ये बैक लाइट जलेंगी, वरना नहीं जलेंगी, पावर देने पर डायरेक्ट नहीं जलेंगी स्टैंड वाइज है। तो यही इसका सही तरीका होता है। यूनिवर्सल कार्ड अगर आप किसी भी एलईडी में लगा रहे हैं, 24 इंची, 32 इंची, 50 इंची, 43 इंची, किसी भी एलईडी में लगा रहे हो और किसी भी कंपनी की एलईडी में लगा रहे हैं, ये सबसे बेस्ट तरीका है ड्राइवर लगाने का। जो ओरिजिनल तरीके से काम करता है वो 5 वोल्ट को यूएसबी पे आपने ऑन ऑफ का तार लगा देना है और 12 वोल्ट दे देनी है। सिर्फ 3 तारों से ही कनेक्शन इसके हो जाते हैं और बाकी बैक लाइट के कनेक्शन आपने उसकी आउटपुट में कर देने हैं। इसी तरीके से आप लगा सकते हैं किसी भी एलईडी में। तो मैंने इसको अब कस लिया है, तो इसकी जो रोशनी है वो किस तरीके से आती है, तो ये देखिए दोस्तों, स्टैंड बाई कर दिया है मैंने और हमारा जो टीवी है वो बिल्कुल प्रॉपर तरीके से चालू हो गया है। लीड भी लगा करके दिखा देता हूँ यहाँ पर। तो फ्रेंड्स, हमारी एलईडी तैयार हो चुकी है और ये देखिए अच्छे से चल रही है। तो ये माइक्रोटेक की है, माइक्रोटेक की जगह किसी भी कंपनी की एलईडी हो टोटली और कितने भी इंच की एलईडी हो, अगर आपको बैक लाइट ड्राइवर डालना है तो आप इस तरीके से डाल सकते हैं। ये बिल्कुल सही तरीका है दोस्तों डालने का। जब आप स्टैंड बाई करेंगे तभी आपकी बैक लाइट ऑन होगी, उससे पहले नहीं होगी। तो आप इस तरीके से डाल सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, कुछ आपको इन्फॉर्मेशन मिली होगी दोस्तों इस वीडियो से। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। दोस्तों मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।